गुड मॉर्निंग बच्चों, टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस ए वैल्यू ऑफ गुडविल बिकॉज इट इज इंटेंजिबल एसेट्स, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर थ्री मेथड ऑफ वैल्यूएटिंग द गुडविल। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये जो मेथड है ये गुडविल का ज़्यादातर लोग यूज करते हैं और बहुत ही सिंपल होता है। इसको जो है हम अपने पास्ट के नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं और इसमें से जो भी एवरेज प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर दिया जाए उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी गुडविल प्राप्त हो जाती है। जस्ट लाइक इसकी जो फार्मूला है वह है वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ पर्चेस। एवरेज प्रॉफिट क्या है कि पिछले सालों के जो भी हमारे प्रॉफिट रहे हैं उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देने पर हमें एवरेज प्रॉफिट पता चल जाता है। जस्ट लाइक मान लीजिए कि 2016, 2017, 2018 इसमें 10,000, 15,000 और 20,000 की प्रॉफिट रही तो हमारी इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो यह हमारी हुई टोटली 45,000 और नंबर ऑफ ईयर्स इज 3, देन वी हैव गॉट द एवरेज प्रॉफिट इज 15,000। एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। जस्ट लाइक एबनॉर्मल इनकम, ये जो है कि हम इसको प्रॉफिट में से घटा देंगे, एबनॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे और जो भी हमारी कई इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई हो हम उसको भी जो है लेस कर देंगे। लेट्स वी हैव सी द एग्जांपल। मीना परचेज शिमी बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। द प्रॉफिट डिस्क्लोज बाई द शिमी बिजनेस फॉर दियर लास्ट 3 ईयर एज फॉलोज। उनके नंबर्स ऑफ ईयर दिए गए हैं 16, 17 एंड 18। 16 में 40,000 की प्रॉफिट है जिसमें एबनॉर्मल गेन भी इंक्लूड है। 2017 में 50,000 है, इसमें जो है एबनॉर्मल लॉस है 10,000 एंड 18 में है 45,000 जिसमें एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम भी है इंक्लूड है। अब कराएंगे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द ईयर एवरेज प्रॉफिट फॉर द ईयर लास्ट 3 ईयर्स। हमें यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स का निकालना है, लास्ट 3 ईयर मिले हैं और उनको जब गुडविल निकालेंगे तो वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 ईयर्स से। चलिए कैलकुलेशन करते हैं अपनी। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 16 में, तो 16 में ये हमारी इंडिया कितनी प्रॉफिट थी 40,000 और वहाँ पे एबनॉर्मल गेन हुई है उस साल तो दिस इज हैव डिडक्टेड इट, तो हमारी अब कितनी हो गई नेट 35,000। फिर उसी को आते हैं नेक्स्ट जो है 17 के लिए, 17 में एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसको हम ऐड कर देंगे और इसके बाद से फिर जो है कराए कि फिर 18 में हमारा है तो 45,000 है, इसमें कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग एनुअल इंश्योरेंस, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम की कोई जगह नहीं है क्योंकि इसमें एक्सक्लूड है इंक्लूड नहीं है।
इंक्लूड होता तो हम इसको डिडक्ट करते। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे और फिर जो है इनका हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट जब निकाल लेंगे उसमें से अब हम जो है इंश्योरेंस प्रीमियम को लेस कर देंगे। और इंश्योरेंस प्रीमियम को क्यों यहाँ लेस किया जा रहा है प्रॉफिट निकालने के बाद, क्योंकि आपकी जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वह रिकरिंग एक्सपेंसेस है ना, और ये फ्यूचर में भी खर्च किए जाएंगे, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे एवरेज प्रॉफिट से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड पे, वह है सुपर प्रॉफिट मेथड। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म इन कंपेरिजन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय द अदर्स फर्म। इफ द बिजनेस हैव नो एक्सपेंडिचर एक्सेस अर्निंग इट विल बी नो गुडविल। सच एक्सेस प्रॉफिट आर कॉल्ड सुपर प्रॉफिट एंड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि मान लीजिए अगर हमने कोई बिजनेस लगाया जिसमें जो है कि हमारी नॉर्मल रेट रिटर्न है 10%। अब हमने बिजनेस स्टार्ट किया 1,00,000 रुपीज़ से, तो पता चला कि हमारी जो अर्निंग है वह हो गई, हमारी प्रॉफिट हुआ 20,000 का। अब उसमें से हमारी जो नॉर्मल रेट है बिजनेस से गेन करने की वह 10%, तो 1,00,000 का 10% हुआ कितना, 10,000। और जबकि हमने कितना गेन किया है, 20,000। दैट्स इज वी हैव डिडक्टेड इट एंड वी हैव गेन द 10,000 सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला देख लें हम लोग। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सुपर प्रॉफिट इज एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेस्ड। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें। ए फर्म एवरेज प्रॉफिट 70,000, इट इंक्लूड द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5,000, कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस इतना एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो देखिए अब कह रहा है कि यहाँ पे आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है ना, तो कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू दिया है 70,000 एवरेज प्रॉफिट दिया है क्या, इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्लूड है तो इसको हम लोग लेस कर लेंगे और हमारी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगी 65,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें हम लोग तो जो हमारी कैपिटल कितनी है 5,50,000, इसका 10% निकाल लेंगे तो 55,000 आ जाएगा। जबकि हमारी एक्चुअल गेन कितनी हो रही है 65,000 की, तो यहाँ पे हम जो है कि सुपर प्रॉफिट जो है कैलकुलेट कर लेंगे कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इसका 10,000। देन वी हैव कैलकुलेट द गुडविल। सुपर प्रॉफिट इसका टू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 4 ईयर का निकालना है ना, 4 times of the super profit, then we have give the multiply and got the goodwill। आज के लिए इतना ही।